वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। CCS यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन वहीं सी अरविंद चौरसिया के मुताबिक फायरिंग की खबर अफवाह है। यहां फायरिंग जैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल कुछ लड़कों ने हंस चौधरी नामक छात्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इसी को लेकर यूनिवर्सिटी में ये सारा विवाद फैला है। हंस को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है हंस के सर में चोट आई है। सूचना मिलते ही मौके पर थाना मेडिकल पुलिस पहुंच गई और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। अभी तक दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट के कारणों का पता नहीं चल सका है। सुनिए घायल छात्र हंस से मिली जानकारी। हंस चौधरी, क्या नाम है? मेरा नाम हंस चौधरी है। हंस जी, क्या हुआ है? मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में MSW का छात्र हूँ। मैंने अपनी शिक्षा यहीं कैंपस से 10 साल से यहीं निरंतरत हूँ। मैंने यहीं से BLLB LLM की है। तो आज मैं अपने पुराने डिपार्टमेंट LLB गया और अपने जूनियर के साथ डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, तो एक 4-5 बाइक पे कुछ नकाबपोश आए और उन्हें एकदम से उतरे और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और उन्होंने वो हाथ में तलवार ले रहे थे, चाकू ले रहे थे, और एक जो उन्होंने चाकू मेरे यहाँ मारा, और फिर हम भागते भागते डिपार्टमेंट चले गए तो उन्होंने पीछे से हम पर गोली चलाई। तो आपने किसी को पहचाना क्या? कोई आया पहचान में? मेरा किसी से, मैं लगभग 10-11 साल से कैंपस हूँ, मेरा आज तक किसी से कोई विवाद नहीं, आज तक अब तक किसी से झगड़ा नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वे मुझे क्यों पीट के गए, क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे कुछ नहीं है, कौन थे कौन नहीं। CO अरविंद चौरसिया इस मामले में यह बोले। साहब, CCS में गोली चलने की सूचना है, कुछ छात्र घायल हैं की सूचना है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सूचना मिली यहाँ पर एक हंस चौधरी नाम का लड़का है जिसके साथ घटना बताई जा रही है, और मेरे पास चीफ डॉक्टर का फ़ोन आया तुरंत। मैंने यहाँ पे फोर्स भेजा और पता चला कि इसकी लाठी डंडे से कुछ 2-3 लड़कों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें इसको सर में हल्की चोट आई है, जिसमें इसको इलाज के लिए भी भेजा गया और इसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बाकी गोली चलने जैसी सूचना किसी के द्वारा नहीं बताई गई। इवन हंस चौधरी से भी बात हुई थी मेरी, उसके द्वारा भी नहीं बताई गई, और चीफ डॉक्टर और अन्य लोग भी जो विभाग के हैं उनसे भी बात हुई, इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। और जो भी ये तहरीर दे रहे हैं उस पर हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, कुछ जानकारी? अभी इसकी जानकारी कर रहे हैं, क्योंकि हंस को भी ये क्लियर नहीं को लड़के कौन थे जो लाठी डंडा लेके आए थे। कितने हमलावर बताए जा रहे हैं, घायल कितने हैं? 3-4 के लिए वो बता रहा है, अकेले हंस को ही चोट लगी है, बाकी हम दिखवा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।